वेलकम टू द किचन स्पेशलिस्ट, आई एम नीति। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मटर पनीर कैसे बनाया जाता है। मटर पनीर बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 250 ग्राम पनीर, 250 ग्राम मटर, 2 प्याज, 3 टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, खड़ा मसाला, नमक। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप पानी लेंगे, कुकर में डालेंगे बॉईल करने के लिए। टमाटर और प्याज को इसके अंदर डालेंगे। गैस ऑन करेंगे, इसको बंद करेंगे, एक विसल आने देंगे। गैस बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम कुकर को खोलेंगे और देखेंगे ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह से उबल चुके हैं। हम इसको ठंडा करने के लिए निकालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। और इसको हम छीलेंगे। ध्यान से छीलेगा, ये काफी गर्म है, इसे हम इसको छील कर रखते जाएंगे। देखिए अच्छे तरह से ये बॉईल हो चुका है। इसको केवल एक ही सीटी की जरूरत है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। एक सीटी में ही ये अच्छे से बॉईल हो जाता है। आप देखेंगे कैसे मैं इसको पील कर रही हूँ। ये देखिए, इसको एक बार और ठंडे पानी से धोएंगे। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अब आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। टमाटर को भी इसमें डालेंगे, इसमें कट करके। और हम इसको ग्राइंड करेंगे। वो आप देखेंगे ये ग्राइंड हो चुका है। गैस ऑन करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। गरम होने देंगे। एक बार गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम खड़ा मसाला में ये तेज पत्ता, लौंग 2 पीस, काली मिर्च, दालचीनी 2 पीस डालेंगे।
इसको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भून रहा है, इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। ब्राउन होने के बाद हम इसमें ये जो पेस्ट बनाया था अनियन एंड टमाटो का, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। दस मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये भुन चुका है। दस मिनट तक इसको चलाते रहिए जिससे कि ये लगे ना। आप देखेंगे ये भुन चुका है। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसको अच्छे से चला देंगे जिससे कि भुन जाए। इसको अच्छे से मिला देंगे, इसको दो मिनट तक चलाते रहें जिससे मिक्स। अब आप देखेंगे ये भुन चुका है। इसमें मैंने मटर डाल अच्छे से चलाएंगे। इसको मैं 5 मिनट के लिए मसाला और मटर को चला आपस पांच मिनट के बाद आप देखेंगे ये अच्छे से मटर पक गई है। अब इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे ये मटर पक के तैयार हो गए और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई। इसमें पनीर डालें और इसको अच्छे से मिला देंगे। ये आप देखेंगे कितना अच्छा दिख रहा है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। अब आप देखेंगे कि हमारा पनीर बन चुका है। हम इसमें डालेंगे ऊपर धनिया पत्ते डाल सकते हैं।